नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 और एमटीएस 2023 दोनों एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी समय से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि जितने भी एग्ज़ाम आपके पैरेलल में हुए, यानी कि आपके एग्ज़ाम के आसपास हुए, उन सभी का लगभग रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अब रिजल्ट आना आपका क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम पे पढ़ने वाला है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ठीक ठाक वैकेंसी थी, लेकिन एमटीएस 2023 में तो अच्छी खासी वैकेंसी भी नहीं। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं भरा जाएगा, कोई दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एमटीएस 2023 की वैकेंसी पे। किस तरीके से पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन सब पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता होगा कि CHSL का जो मेंस का आपका एग्ज़ाम हुआ था, CHSL का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 26 जून को हुआ था, ठीक है, और उसका भी जो रिज़ल्ट है, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो SSC ने पब्लिश कर दिया, जबकि आपका एग्ज़ाम 20 जून को ओवर हो गया था। आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये CPSI 2021 का जो फाइनल रिज़ल्ट है SSC ने ये भी डिक्लेयर कर दिया, जबकि इसका जो मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था वो 14 जून से लेकर के आपका 3 जुलाई तक एग्ज़ाम हुआ। मेडिकल जो है वो 14 जून से लेकर के 3 जुलाई तक हुआ, उसके बावजूद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी एमटीएस 2022-23 का जो रिज़ल्ट है इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये रिज़ल्ट आना क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस को ज़रा समझ लो। आपको पता है कि एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है, और इसकी डेट भी आ गई 1 तारीख से, शायद 1 सितंबर से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर ये रिज़ल्ट आपका नहीं आता है, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे वैसे ही कॉमन कैंडिडेट हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में, क्या है कि हर एक एग्ज़ाम में एसएससी के कॉमन कैंडिडेट होते हैं, और एमटीएस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम है जैसे कि CHSL एग्ज़ाम है, CGL का एग्ज़ाम है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो एक से अधिक स्टेज में होता है, यानी कि Tier 1 एग्ज़ाम होता है, फिर Tier 2 एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी होती, कम से कम जो बच्चा Tier 1 क्वालिफाई कर गया उसने Tier 2 दिया तो वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी भरा जाता है, वो पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर सकता है ताकि सीट बच जाए, ठीक है, उसके अलावा Tier 2 स्किप कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपका फाइनल जो लिस्ट है उसमें नाम आएगा, फिर वो सीट बेकार ही होगी, चाहे फिर क्या है कि आप चाहते हुए भी अपना जो कैंडिडेचर है उसे रिमूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए मतलब ट्विटर कंपेन भी किया था, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे किस तरीके से इसको नुकसान पहुँचेगा, सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे वैकेंसी 1600 के आसपास आपकी हैं, और आपकी वैकेंसी फिर भी ठीक ठाक थी, तो एक तो वैकेंसी यहाँ पे कम, उसके अलावा नो वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एमटीएस अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ढेर सारे बच्चे जो हैं एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में भी अपियर होंगे, तो आप खुद सोचिए कि वो इसके कट ऑफ को कितना अफेक्ट करेंगे, और जो मतलब जेन्युइन बच्चा है उसको सिलेक्शन यहाँ पर भी नहीं मिल पाएगा, और चीज़ें और भी ख़तरनाक हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे कोई और अदर स्टेज में एग्ज़ाम होता नहीं है ताकि आप अपना जो कैंडिडेचर है उसे विड्राल कर सको, उसके अलावा यहाँ पे कोई DV नहीं है, कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, तो एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको और ज़्यादा नुकसान होगा। कॉमन कैंडिडेट तो होंगे, प्लस एमटीएस 2022-23 के जो मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं वो भी बच्चे यहाँ पे होंगे, तो अगर SSC रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देती है एमटीएस 2022-23 का इसके एग्ज़ाम से पहले, तो इससे कम से कम ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो एस्पिरेंट सेलेक्ट हो जाएगा वो कम से कम इस एग्ज़ाम को स्किप करेगा। इससे क्या है कि वैकेंसी कम है, तो जो जेन्युइन बच्चा, जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है, कॉमन कैंडिडेट हैं, ढेर सारी जो अपडेशन है वो होना ज़रूरी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, ठीक है। तो SSC से यही हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो उन्हें जल्द से जल्द दे देना चाहिए, ये रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए मैं आपके साथ हूँ, हम लोग एक ट्विटर कंपेन कर सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है SSC को देना चाहिए, क्योंकि एमटीएस 2023 का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको भी सपोर्ट करना है। और जो बड़े बड़े टीचर हैं जैसे कि RBE वाले शुभम जैन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, ठीक है, तो इन तक भी इस चीज़ को पहुँचाइए, इस मुद्दे को पहुँचाइए, और एक कॉमन जो मतलब सहमति से एक मतलब डे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस दिन हमें ट्विटर कंपेन करना है, तो उस दिन सभी लोग जब ट्विटर कंपेन करेंगे और
मैक्स से मैक्स ट्वीट होंगे तो उससे एसएससी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका जो सोल्यूशन है वो निकल सकता है। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए, एसएससी को दे देना चाहिए बहुत जल्द। अगर नहीं आता है तो एक चॉइस हमारे पास ये है कि हम लोग ट्विटर कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट से कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। एमटीएस 2022-23 के अलावा एमटीएस 2023 के एग्जाम पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि वैकेंसी इतनी कम है, वैसे ही मनोबल बच्चों का कम है और इतने ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट के अलावा एमटीएस 2022-23 के वो बच्चे होंगे जो यहाँ पर भी सेलेक्ट होने की पोजीशन में। तो आप खुद सोचिए कि एमटीएस 2023 में प्रेडिक्शन करना और कट ऑफ को क्वालिफाई करना, कट ऑफ कितनी की जाएगी, ये सब चीज़ें आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक होने वाली है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट 2023 की वैकेंसी पे पड़ेगा। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट को जल्द से जल्द दे देना चाहिए, क्योंकि ये एमटीएस 2023 के लिए जो एमटीएस 2023 वाले जो बच्चे उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, एमटीएस 2022-23 के एस्पिरेंट के अलावा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। बाकी जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको भी आप लोग अप्रोच करिए, और अगर एक दो दिन में रिजल्ट नहीं आता तो इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।